सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, हम लोग फिर से लौट के आ चुके हैं एक नए एक्साइटमेंट वीडियो के साथ। तो हम आज आपको सिखाने वाले कि किसी फोटो से स्किन टोन कैसे कॉपी करना है, वो भी फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो आप मोबाइल पर भी कर सकते हो, फोटोशॉप यूज कर सकते हो मोबाइल पर। तो इस चीज के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हो। मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा ऊपर, ठीक है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, तो आप अपने मोबाइल पर भी ये चीज कर सकते। तो जिनके पास पीसी है उनका तो बहुत ईजी है, और जिनके पास मोबाइल है वो भी कर सकते। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो गाइस मैं चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो आपको भी आ जाना है। आ जाने के बाद जस्ट आपको अपना जो है प्रोजेक्ट आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं इस फोटो में स्किन टोन मतलब ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। इस फोटो से स्किन टोन कॉपी करके इस फोटो में पेस्ट करने वाला हूँ। तो आपको भी अपना दोनों फोटो जो है ऐड कर लेना है फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। जिससे आप कॉपी करना चाहते हो उसको भी, और जिसमें आप पेस्ट करना चाहते हो उसको भी। तो ये फोटो मैं एडिट करना चाहता हूँ, इसका स्किन टोन मैं इसमें कॉपी करना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के हुए। तो सबसे पहले भाई आपको इस फोटो के जो है दो लेयर बना लेने हैं, ठीक है। तो मैंने दो लेयर ऐड कर लिया। फिर आपको इधर आ जाना है ब्रश टूल में। ब्रश टूल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको ऑल्ट की को प्रेस करके रखना है, और आपको स्किन के किसी भी पार्ट में क्लिक मारना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको साइड में लेके जाना है और क्लिक करना है फिर से। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लेयर टू में ये हमने किया। फिर आपको आ जाना है लेयर वन में। लेयर वन में आ जाने के बाद जस्ट आपको इसमें सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद जस्ट फिर से आपको ऑल्ट की को प्रेस करके रखना है, और आपको इसके स्किन में जस्ट एक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको इधर आ जाना है, और आपको ध्यान रहे आपका लेयर वन में सेलेक्ट होना चाहिए दूसरा वाला, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद फिर से आपको कुछ इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो आपको ये देखो ऐसे क्लिक कर रखना है, ठीक है। एकदम पास पास रखना है, दूर नहीं रखना है, एकदम ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। करने के बाद जस्ट आपको फिर से आ जाना है इधर, ठीक है। लेयर टू में आ जाने के बाद इसको नॉर्मल से आपको कर देना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जस्ट आपको बैकग्राउंड लेयर में आ जाना है। बैकग्राउंड लेयर में आ जाने के बाद जस्ट आपको इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद जस्ट कलर रेंज में क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद जस्ट आपको इधर आपका ये सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। आपको स्किन टोन में सिलेक्ट कर लेना है। स्किन टोन में जैसे सिलेक्ट करते हो तो आप इधर अपने फोटो के अकॉर्डिंग आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, मतलब सेट कर लेना है, ठीक है। तो मैं लाइक 10 ही रखता हूँ डिफॉल्ट जो होता है, ठीक है। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जस्ट थोड़ा सा लोडिंग लेगा, ठीक है। तो लोडिंग को हम कंप्लीट होने देते हैं। लोडिंग हो गया हमारा। तो इतना हो जाने के बाद जस्ट आपको फिर से इधर क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद सॉलिड कलर में क्लिक करना है। सॉलिड कलर में क्लिक करने के बाद आपको इधर कुछ नहीं करना है, ठीक। आपको इधर कर्सर को लाना है, और आपको इस जगह में क्लिक करना है एकदम बीचों बीच, ठीक है। इस जगह में आप जैसे क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा कलर देखने को मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा। जस्ट आपको इधर ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद जस्ट आपको फिर से आ जाना है, ठीक है। इधर नॉर्मल में, नॉर्मल में आ जाने के बाद जस्ट आपको, ठीक है, इसमें सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, अभी भी काम बाकी है। फिर आपको इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको फेदर देना है, लाइक 30 पिक्सल, 30 या फिर 35, 40, आपके फोटो के अकॉर्डिंग आपको देना है, ठीक है। तो मैं देता हूँ लाइक 38 पिक्सल, ठीक है। इतना देने के बाद जस्ट आप देख सकते हो हमारा जो ये है एकदम बन के रेडी हो चुका है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले। इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। तो आप देख सकते हो स्किन टोन जो है इसका जो है कॉपी हो चुका है, ठीक है। पहले कुछ ऐसा था, ठीक है, फिर स्किन टोन कॉपी हो चुका। तो आपका जैसा फोटो का स्किन टोन होगा वैसा ही कॉपी होगा, ठीक है। इसमें ऐसा है इसीलिए इसमें भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है। आप अगर कोई अलग फोटो रखते हो तो आपको अलग स्किन टोन होगा, ठीक है। आप किसी भी फोटो से किसी भी फोटो पर स्किन टोन कॉपी पेस्ट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। मैंने जैसे जैसे दिखाया आपको सिंपल सा वैसे वैसे करना है, ठीक है। अभी तक जाना भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर देना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को जरूर से फॉलो कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।